Hey, hello guys, welcome back to the channel R Study Ada guys. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस जल प्रलय में चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 1967 में बिहार में आई एक भयंकर बाढ़ की, जो धीरे धीरे बिहार के सारे शहरों को अपनी चपेट में लेती जा रही थी। हमारे जो लेखक हैं यानी जो राइटर हैं, वो बिहार की राजधानी पटना शहर के पास ही एक छोटे से गाँव में रहते थे। ऊंचाई पर होने की वजह से आमतौर पे तो उस गांव में बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। खबर आई कि पटना में प्रेजेंट मुख्यमंत्री आवास और धीरे धीरे पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। और ये खबर सुनते ही हमारे जो लेखक हैं, वो अपने एक दोस्त के साथ बाढ़ का हाल जानने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है सबको एक्साइटमेंट होती है भाई उसको देखने की। उससे डर तो बाद में लगता है, पर जो पानी होता है उसको देखने का मन सबका होता है। और गांधी मैदान के पास एक पान की दुकान में जाते हैं। पान की दुकान के पास लोग वीडियो में बाढ़ का समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था। पता चला कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे पूरे शहर में घुसता जा रहा है, लेकिन वहाँ खड़े लोगों का तो कुछ और ही कहना था। वो कहते हैं, अरे भैया, एक बार ये जो पटना शहर है वो गंगा नदी में डूब जाए तो इसके सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे, उनका मानना ये था कि जो पटना शहर है वो एक बार पानी में डूब जाए और फिर से निकल आए तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच लेखक बाढ़ का हाल लेकर अपने घर वापस लौट आते हैं, अपने फ्लैट में वापस लौट आते हैं। अब हमारे राइटर आए ही थे अपने घर, तब तक सरकार द्वारा लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है, भाइयों संभावना है कि रात के लगभग 12 बजे तक लोहनपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा, तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इस अनाउंसमेंट के बाद तो हमारे राइटर को जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना नींद नहीं आ रही है तो कुछ लिखना शुरू कर दूं, और वो लिखने बैठ जाते हैं। और जब वो लिखने बैठे तो बाढ़ की कुछ पुरानी यादें उनके दिमाग में ताज़ा हो गई। उन्हें याद आता है कि कैसे 1947 में जब मनिहारी में बाढ़ आई थी, तो उस टाइम कैसे मैं और मेरे गुरुजी एक नाव में केरोसिन तेल, माचिस और दवा लेकर लोगों की मदद करने के लिए गए थे। और 2 साल पहले ही जब 1949 में महानंदा नदी में बाढ़ आई थी, तो हम कैसे घायल हो और बीमार को कैंप में ले जा रहे थे और मदद करते करते एक बार तो एक घायल व्यक्ति के साथ साथ उनका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया था। और जब मैं अपने दोस्त के साथ लोगों की मदद करते हुए कैंप तक पहुंचा, तो देखा कि कुछ लोगों ने ऊंचे टीले पर एक स्टेज बना लिया है। वहां कभी भालू डांस चल रहा है, कभी तालियां, कभी कभी एक छोटा सा आदमी एक बौनी औरत की एक्टिंग कर रहा है और लोग तालियां बजाते हुए मछलियाँ भून कर खा रहे हैं। मतलब तालियाँ बजाते जा रहे हैं, मछलियाँ भून कर खा रहे हैं। खैर, इस बार 1967 की यह बाढ़ पहले की तरह नहीं थी, जो सिर्फ कुछ निचले इलाकों तक ही सीमित थी। इस बार पानी राजेंद्र नगर तक पहुंच चुका था। बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए ये आपदा की घड़ी थी। ना उनके पास खाना था, ना अनाज था, ना रहने के लिए घर था और ना पहनने के लिए कपड़ा था। वहीं पर कुछ लोगों के लिए ये बाढ़ एक एंटरटेनमेंट बन चुका था। ऐसे ही एक परिवार नाव में सज धज के ऐसे घूम रहा था जैसे कश्मीर की वादियों में घूम रहा हो। एक तरफ एक लड़की पत्रिका पढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कोई नाव में ही कॉफ़ी बनाकर एंजॉय कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अपने एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो में गाना बजा रहे थे। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा और पूरा परिवार बाढ़ को एक एंटरटेनमेंट यानी एंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। बट गाइस, उनकी नाव जब हमारे मोहल्ले में पहुंची, तो उनकी नाव को देखकर हमारे मोहल्ले के लड़कों ने जो गालियां और शीटियां बजाना शुरू किया था ना, वो कुछ अलग ही लेवल था कि शर्म से उन्होंने अपना गाना बंद किया और शांति से एक कोने से निकलते दिखाई दिए। लिखते लिखते हमारे राइटर को रात के 2:30 बज चुके थे। ये जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब उनको नींद आ रही थी, लेकिन
लोगों के शोर से सुबह 5 बजे उनकी नींद खुली तो देखा चारों ओर पानी ही पानी भरा है। मैंने बचपन में ही बाढ़ देखी थी बट इतनी भयंकर बाढ़ कभी नहीं देखी थी। बस 2 घंटे और 2 घंटे में पूरे गांव में पानी भर चुका था। तो गाइस बस यहीं पर खत्म होता है हमारा चैप्टर इस जल प्रलय में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए यार डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैं प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच।